Modi! 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 Phir ek baar! Phir ek baar! Narendra Modi! Narendra Modi! Bharatiya Janata Party! Bharatiya Janata Party! Vande! Vande! अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से कि वो हमारे बीच में आए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बुक्के भेंट करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। दो हजार तालियों से स्वागत, दो हजार तालियों से, करतल ध्वनि से। अब मैं निवेदन करूंगा मंचासीन नेताओं से कि वो बड़ी माला से भारत के, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ी माला से कुरुक्षेत्र भूमि में, धर्म क्षेत्र भूमि में अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, जोरदार तालियों से। मोदी 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 मोदी, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से वो अपना भाषण जारी रखें। माननीय श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। भारत माता के, कुरुक्षेत्र की इस पावन पवित्र भूमि पर आज हमारे बहुत ही सम्माननीय नेता, विश्व प्रसिद्ध नेता, माननीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हमको संबोधन करने के लिए आए हैं। आज तीन लोकसभा क्षेत्रों के हम सब लोग आपका स्वागत करने आपके सम्मान में यहां पहुंचे हैं। आपका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें अंबाला लोकसभा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र और करनाल लोकसभा क्षेत्र, ऐसे तीनों क्षेत्रों से हमारे प्रत्याशी, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य नेतागण, सभी कार्यकर्ता और हमारे बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, सब लोग यहां पधारे हैं। मैं अपनी सारी बात चूंकि आपके सामने कह चुका हूं, अब प्रधानमंत्री जी के और आपके बीच में अधिक समय ना रहते हुए मैं तीनों हमारे जो प्रत्याशी हैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र से, हमारे वर्तमान के सांसद और भावी सांसद श्री रतनलाल जी कटारिया, इसी प्रकार हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद, युवा नेता, वर्तमान में हमारे सरकार के राज्य मंत्री श्री नायब सिंह सैनी, ये भी साथ में आए हैं। और ऐसे ही करनाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हमारे महामंत्री, युवा नेता श्री संजय भाटिया जी, ये भी उपस्थित हुए हैं। तीनों की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं बिना किसी देरी के अपने नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को विनम्र आग्रह करता हूं, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम जानते हैं, जिसको हरियाणा को आप स्वयं अपना ये दूसरा घर मानते हैं, हरियाणा से बहुत लगाव है और हरियाणा की जनता जितने बड़े पैमाने पर, जितने बड़े इस बड़े समूह में, सब जगह पर, अभी इससे पहले फतेहाबाद में भी हिसार और सिरसा की दो लोकसभा के क्षेत्रों के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जनता को, प्रतिनिधियों को, सबको आप संबोधित करके आए हैं। आप हमारे बीच में आए, हमें दोबारा से आप आशीर्वाद देकर के और निश्चित रूप से तीनों लोकसभा सीटों के जीत के लिए हम आपका अभिनंदन भी करेंगे। आपके हमारा अनुरोध है कि आप हमारा सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की,
भारत माता के मन पर विराजमान हरियाणा के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सारे भाण भैया ने राम राम। न्याय और ज्ञान की धरती पर कुरुक्षेत्र के अलावा करनाल और अंबाला से पधारे सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी यही ऊर्जा, यही आशा आकांक्षा ही मुझे दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यारो यह कर्मण, यानी व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना हमेशा श्रेष्ठ होता है। यही प्रयास आपके इस सबसे बड़े सेवक का, इस कामगार का हमेशा रहा है। मैं 130 करोड़ सपनों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए फिर से एक बार आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। भाई और बहनों, बीते 5 वर्षों में गांव की सड़क से लेकर सैटेलाइट तक, हाईवे से लेकर हाईवे तक, इंफॉर्मेशन वे तक, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक, शौचालय से लेकर कार्यालय तक, सफाई से लेकर दवाई तक, सिपाही से लेकर सिंचाई से लेकर ईएमआई तक, सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास हुआ है। पहले के मुकाबले 2 गुनी गति से काम हुआ है। जैसे मनोहर लाल जी ने बताया, हरियाणा आना मतलब मेरे लिए अपने घर आने वाली बात है। कभी यहां स्कूटर पर दौरा करता रहता था,
कभी इस खबे पर झोला लेकर के बस में उतर करके पैदल चला आता था, यहां के हर गली मोहल्ले से वाकिफ रहा हूं। मैं जब हरियाणा आया हूं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएंगे, पूरी ताकत से जवाब देंगे? ऐसे ढीला ढीला बोल रहे हो यार, गर्मी बहुत लग रही है क्या? मैंने सारे काम अभी गिनाए, आप मुझे बताइए सब कुछ किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? मैं हरियाणा से हूं एक प्रकार से, लेकिन आपका जवाब गलत है। आप बुरा मान गए, आप कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी, मैं कहता हूं आपका जवाब गलत है। सही जवाब बता दूं? बता दूं? ये मोदी ने नहीं, ये आपके एक वोट ने किया है। साथियों, 2014 में आपके एक वोट ने देश के लोगों तक जरूरी सुविधाएं को पहुंचाने का काम किया। अब आपका अगला वोट, 12 तारीख को चुनाव है ना, 12 तारीख को आपका कमल के फूल का अगला वोट एक वैभवशाली भारत के निर्माण का रास्ता मजबूत करेगा। साथियों, हम भारत के ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म की समृद्ध परंपरा को साथ लेते हुए नए भारत के निर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। योग और आयुर्वेद को लेकर देश और दुनिया में जो जागरूकता बढ़ी है वो इसी का परिणाम है। कुरुक्षेत्र तो अब आयुष यूनिवर्सिटी के रूप में एक नई पहचान भी मिल रही है, और यहां मनोहर लाल जी की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की भी आन बान शान के साथ शुरुआत की है। लेकिन साथियों, जब भारत की संस्कृति की बात आती है तो न जाने क्यों कांग्रेस के मुंह पर वोट बैंक का ताला लग जाता है। ध्यान रखिएगा, इनकी मानसिकता क्या है? रामायण और महाभारत को दिन रात गाली देने वालों के समर्थक आज भी ये महामिलावटियों के बीच में है। भगवान का नाम लेने पर जेल भेजने की मानसिकता, ये मानसिकता वाले लोगों के साथ ये लोग मंच पर बैठ करके हाथ पकड़ कर करके नाचते हैं। साथियों, इन लोगों को पाकिस्तान की हरकतें पसंद है, लेकिन देश के गौरव को स्थापित करने वालों को ये दिन रात गालियां देते हैं। पाकिस्तान से तो वो इनको इतना लगाव है कि ये भारत की कुशलता का श्रेय भी
पाकिस्तान को देते हैं। आप याद कीजिए, एयर स्ट्राइक के बाद, याद है ना, याद है कि नहीं है, एयर स्ट्राइक के बाद जब भारत ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, तब हमारे एक वीर सपूत को पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया था। 48 घंटे के भीतर भीतर पाकिस्तान को उसे छोड़ना पड़ा था। वाघा बॉर्डर तक विदाई देने आना पड़ा था। और तब आपने उनकी मुंडी देखी होगी टीवी पे, लेकिन आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? भारत की आन बान शान इसका अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये कांग्रेस और उसके राग दरबारियों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के नाम के कसीदे पेटना शुरू कर दिया। यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। भारत की कूटनीतिक सफलता से हमारा सपूत सकुशल वापिस आया, लेकिन कांग्रेस और उसके राग दरबारी पाकिस्तानी सरकार का गुणगान करने लग गए। साथियों, यही इनकी सच्चाई है, बल्कि इन्होंने तो उल्टा भारत की संस्कृति और परंपरा को बदनाम करने का अभियान छेड़ा हुआ है। साथियों, पानीपत के पास जब समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, याद है आपको? याद है कि भूल गए? कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ने के लिए निर्दोष लोगों को सालों तक जेलों में बंद रखा था। लेकिन कांग्रेस के इस झूठ का, इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। साथियों, कांग्रेस द्वारा हमारी हजारों वर्ष पुरानी महान संस्कृति को दाग लगाने की कोशिश में असली आतंकवादी इनको बचने का इन्होंने रास्ता खोल दिया। भारत को बदनाम करने वाली कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? करेगा क्या? आप माफ करेंगे क्या? साथियों, कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार की चिंता में डूबी रहती है, इसलिए भारत के हितों की रक्षा करने में कभी गंभीरता नहीं दिखाई गई। भारत ने, भाइयों बहनों, भारत ये अनेक नदियां, भारत से अनेक नदियां पाकिस्तान जाकर के आगे बढ़ती हैं। वहां की जमीन को सोना बनाती है।
और ये सच्चाई है कि हमारे हक का पानी पाकिस्तान की नदियों में जा रहा है। देश आजाद हुआ तब से अब तक हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन हमारे हक के पानी को रोकने का काम भी ये कांग्रेस सरकार ने दशकों तक उस नदी का न भी नहीं बोले, नदी का न भी नहीं बोले भाई। अब आपका ये चौकीदार भारत के हक का एक एक बूंद भारत के किसान तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर के बैठा है और काम करके रहेगा। अब एक बूंद पानी जो हिंदुस्तान के हक का है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा दोस्तों। इसके लिए अनेक परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। आने वाले 5 वर्षों में ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हम खड़े करेंगे जिससे हरियाणा सहित देश के अनेक हिस्सों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो पाएगा। साथियों, हरियाणा जय जवान जय किसान का एक प्रकार से स्वर्ग है। यहां के अन्नदाता हमारे किसान पूरे देश के लिए एक मिसाल है। हम कृषि व्यवस्था को कम लागत और पारदर्शी बनाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा की सभी मंडियों को ऑनलाइन यानी ई नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसी तरह छोटे किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद आनी शुरू हो चुकी है। भाइयों और बहनों, किसानों के साथ साथ जो हमारे व्यापारी साथी हैं उनका भी ध्यान है। हमने तय किया है, पहली बार देश में एक राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बने। इतना ही नहीं, व्यापारियों उद्यमियों के लिए 50 लाख रुपए तक की बिना गारंटी के ऋण की सुविधा भी देने वाले हैं। वहीं छोटे दुकानदारों को, छोटे किसानों को, खेत मजदूरों को 60 वर्ष के बाद पेंशन की व्यवस्था भी हम करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत परिश्रम से, दिन रात एक करके आपकी सेवा में जुटा हूं। आप ही मेरा परिवार है, आपकी खुशहाली यही मेरा कर्तव्य है। लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों को उनकी मनमानी नहीं करने देता, उनके भ्रष्टाचार को रोकता हूं, उनके वंशवाद को चुनौती देता हूं, इसलिए ये लोग बार बार प्रेम का नकाब पहनकर
मुझे गालियां देते रहते हैं। इनके प्रेम की डिक्शनरी में इस गरीब मां के बेटे के लिए, इस चाय वाले के लिए किस तरह का प्यार उमड़ा है, कैसे ये प्यार जताने में एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, ये भी मैं आज अपने घर आया हूं, हरियाणा आया हूं। कुरुक्षेत्र सत्य की भूमि है, वहां आया हूं तो मैं आज कुरुक्षेत्र की इस धरती से देशवासियों को खुद बताना चाहता हूं। ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी क्या है, उनकी प्रेम की डिक्शनरी में शब्द कौन से हैं, ये प्रेम वर्षा मोदी पर कैसी करते हैं, सुनाओ। साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे बसमासूर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रैबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोलने वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। और भाइयों बहनों, सुनिए, जरा देश सुन रहा है, सुने, भाइयों बहनों, इनकी ख्वाहिश तो, इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। खुलेआम मेरे खिलाफ मोदी की बोटी बोटी करने का घोषणा करने वालों को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है, चुनाव में टिकट देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि वो मोदी की बोटी बोटी करना चाहते हैं। मुझे पता है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह के शब्द बोलना सही नहीं है। परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे आठवीं, दसवीं, बारहवीं कक्षा में जाने वाले बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं, वो भी आज ये सब सुन रहे हैं। इस तरह की भाषा
उन बच्चों ने न सुननी चाहिए न सीखनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं, और कोई, ये बड़ी देश की लोकतंत्र की मजा देखिए, कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज मैं देश के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूं। भाइयों और बहनों, मुझे गाली देते हुए इन लोगों ने कितनी बार मर्यादा तार तार की है, ये भी इनकी प्रेम वाली डिक्शनरी से पता चलता है। और साथियों, अब जो शब्द मैं आपको गिनाने जा रहा हूं, वो भी सब नहीं, थोड़े बहुत सैंपल, अब वो शब्द मैं गिनाने जा रहा हूं, ये सारे ये चाय वाला प्रधानमंत्री बना उसके बाद बोले गए हैं। ये दावा करते हैं कि ये प्रधानमंत्री पद की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या उपहार दिया है, कैसी प्रेम वर्षा की है, कैसी सौगातें दी है। मैं आज मेरे अपने घर आया हूं तो मेरे देशवासियों को कुरुक्षेत्र की सत्य की इस धरती से फिर बताना चाहता हूं। ये सारे, ये चैप्टर नंबर 2, पीएम बनने के बाद का प्रेम। क्या बोला? मुझे बताया गया मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया, मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया, यहां तक कि ये भी पूछा गया कि मेरा पिता कौन थे ये नहीं मालूम, मेरे दादा कौन थे ये नहीं मालूम। साथियों, याद रखिएगा, मुझे ये सारे उपहार प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी प्रेम वर्षा निमित्त आज भी दिए जा रहे हैं। निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, सब कुछ ये प्रेम वर्षा नामदार की और उसके साथियों की प्रेम वर्षा। देखो साथियों, इन लोगों ने मेरी मां को गाली दी, ये भी पूछा कि मेरा पिता कौन है। और याद रखिएगा, ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। बहुत अच्छे संस्कार हैं कांग्रेस और उनके नेताओं के, और ये हैं उनके प्रेम की डिक्शनरी का सच। मेरी देश के लोगों से बस यही प्रार्थना है, कांग्रेस की ये प्रेम की डिक्शनरी अपने बच्चों के हाथ न लग जाए, बस इतनी चिंता करना।
मुझे मेरी नहीं आपके बच्चों की चिंता है, उनके संस्कार की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है। भाइयों साथियों, इन लोगों की गालियों की परवाह न करते हुए पूरी शक्ति से देश की सेवा कर रहा हूं। हरियाणा भी बीते 5 वर्षों में एक बहुत बड़े परिवर्तन का गवाह रहा है। पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान मैंने शुरू किया था। हरियाणा ने इन 5 वर्षों में बेटियों का बहुत ध्यान रखा है। आपने मेरी बात का, देश की भावना का मान रखा है। इसके लिए हर हरियाणावासी का, हर हरियाणावासी का मैं शीश झुका करके वंदन करता हूं। भाई और बहनों, हरियाणा की बेटियां भारत को गौरवान्वित कर रही है। मेरा तो सपना है कि भारत स्पोर्टिंग सुपर पावर बने। इसमें हरियाणा के सपूतों, विशेष तौर पर बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अब तो हमें फाइटर पायलट से लेकर मिलिट्री पुलिस तक के रास्ते भी बेटियों के लिए खोल दिए हैं। नए भारत को विकसित और सुरक्षित बनाने में हमारी वीर बेटियां, हमारे वीर बेटों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। मुझे विश्वास है कि कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल का एक एक बटन कमल के फूल पर दबेगा। आपका हर वोट सीधा मोदी के खाते में आएगा। भाइयों बहनों, मेरा एक काम करोगे, आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करोगे, करोगे? आज मैंने पहली बार, मेरे सार्वजनिक जीवन में मैं बहुत लंबा समय मुख्यमंत्री रहा हूं, 5 साल से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, मैंने ये दर्द भरी दास्तां अपनी जुबान से पहले कभी नहीं बोली है। आज मैंने अपने घर आया तो ऐसे ही मेरा दिल खुल गया, जी भर के बहुत कुछ कह दिया। मैं नहीं जानता हूं ये चीज, ये जो पूरा मैंने विस्तार से प्रेम वर्षा की कथा बताई है, ये मीडिया के लोग आने वाले 10 दिन तक इसको बताने की हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये परिवार कि इन लोगों पर बड़ी कृपा रही है। वो करें या ना करें, करें उनको मैं एडवांस में धन्यवाद करता हूं, लेकिन क्या आप इन बातों को सोशल मीडिया पर, मोबाइल फोन पर हिंदुस्तान के कोने कोने पहुंचा सकते हो? भाइयों बहनों, एक तरफा जो मुझ पे जुल्म हो रहा है, इसलिए देश को सच बताना जरूरी है। मैं जानता हूं ये पहली बार नहीं, बस मीडिया में कहीं ना कहीं गुंडों से को नजर आएगा, लेकिन दबा दिया गया है। सबूत के साथ चीजें मौजूद है। भाइयों बहनों, आप सच्चे दिल में मोदी मोदी करते हो, मोदी को सच्चा प्यार करते हो? सच्चा प्यार करते हो? वो झूठी प्रेम वर्षा नहीं, झूठी प्रेम वर्षा नहीं, गालियों के छुपाने के लिए बताई गई प्रेम वर्षा नहीं, दिल से प्रेम वर्षा करते हो? ये मेरा ये छोटा सा वीडियो घर घर पहुंचाओगे? पूरे हिंदुस्तान में जहां भी रिश्तेदार हो पहुंचाओगे? मैं आज विशेष रूप से चाहता हूं
क्योंकि इतना झूठ चलाया जा रहा है। तब जाकर के भाइयों बहनों, मैं जानता हूं हरियाणा मेरे साथ पूरी तरह खड़ा रहने वाला है। हरियाणा में सबकी सब सीटों पर कमल खिलने वाला है, मुझे विश्वास है। इसी मिट्टी ने मुझे पाला पोसा बड़ा बनाया है जी। जिस मिट्टी ने मुझे बड़ा बनाया है, उस मिट्टी के लिए मैं जीना मरना भी जानता हूं दोस्त। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, 12 तारीख तक चैन से बैठना नहीं है। घर घर जाएंगे ऐसा जवाब नहीं चाहिए, घर घर जाएंगे, सबके सब जाएंगे, पोलिंग बूथ मजबूत बनाएंगे, लोगों को मतदान करवाएंगे। सुबह कितनी गर्मी क्यों ना हो, 10 बजे के पहले ज्यादा से ज्यादा मतदान करवा दोगे, सब जगह पे कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, मेरे साथ हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को कमल खिला के देने का कृतार्थ करें। धन्यवाद।